शुरू करते हैं। तो देखो ये जो मिलेट महोत्सव है ना, इसकी मेजबानी कर, मिलेट क्या होते हैं, मोटे अनाज, ज्वार बाजरा के बारे में आपने सुना होगा, तो एग्रीकल्चर से संबंधित विषय है, ठीक, यानी जीएस थर्ड पेपर में जाएगा, थर्ड में जाएगा इकोलॉजी एनवायरमेंट में, ठीक है, वहां आएगा एग्रीकल्चर कृषि, ठीक। देखो ये जो आपके बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के समय में अभी जो सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या है, कृषि पर भी तो प्रभाव आएगा, है ना। तो ऐसे में कृषि की उत्पादकता बढ़े, ठीक, कृषि की उत्पादकता बढ़े, और ये जो कृषि है एक मिनट रुकिएगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो ऐसे में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और कृषि ये जो हमारी है इससे न्यूट्रिशियस फूड प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं विश्व भर में। ऐसे में भारत ने जकार्ता इंडोनेशिया में 5 दिवसीय आसियान भारत मिलेट महोत्सव क्या किया है, शुरू किया है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो किसान अनुकूल और सतत भोजन विकल्प के रूप में, ठीक, मैंने कहा ना ज्वार बाजरा के बारे में क्या करनी है, जागरूकता बढ़ानी है ना। आसियान में भारतीय मिशन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलेट आधारित किसान उत्पाद संगठन, ठीक, स्टार्टअप और भारतीय शेफ की भागीदारी के साथ मिलेट केंद्रित प्रदर्शनी शामिल है, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यहां पर है, किसान अनुकूल और सतत भोजन निकल के रूप में, ठीक है, और क्या है, 5 दिवसीय आसियान भारत मिलेट महोत्सव, ठीक। अब महोत्सव के उद्देश्य, तो सबसे पहले मिलेट को बढ़ावा देना यह उद्देश्य है। 10 सदस्यीय आसियान ब्लॉक के बीच मिलेट और मिलेट आधारित उत्पादों के लिए एक बाजार बनाना है, मिलेट के लाभों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है, ठीक। पाक संबंधी विविधता अर्थात उसको पकाने को लेकर, ठीक। तो इस आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ भविष्य के लिए टिकाऊ बाजरा प्रथाओं का प्रदर्शन करते हुए कल्चरल और पाक विविधता जो हमारी है उसका जश्न मनाना है, ठीक। क्योंकि आपको पता है भोजन भी सीधे डायरेक्ट कहां से कनेक्ट होता है, कल्चर से, संस्कृति से। आपने देखा होगा हर राज्य का अपना अलग अलग भोजन है, ठीक है ना। राजस्थान जाइए, बाजरे की रोटी खाइए, ठीक है ना, वही बाजरा और मिलेट। तो यूज क्यों करना है, किसान अनुकूल वातावरण बनाना है, सतत खाद्य विकास करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कृषि पर भी तो है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सशस्त्र बल ऑस्ट्रो हिंद 23 अभ्यास के लिए रवाना हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, पता चल रहा है, ठीक। तो यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक, यानी ऑस्ट्रो हिंद 23 के, ठीक, दूसरे संस्करण में अगर आप देखेंगे तो भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र बल, ठीक, कि एक टुकड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। ऐसे अभ्यास चलते रहते हैं, तो आपको इनका नाम और अभ्यास में कौन कौन से लोग शामिल होने, कौन कौन सी टुकड़ियां, ये पता होना चाहिए, और डेट कि किस डेट में हुआ, और वहीं से प्रश्न आता है, ठीक। अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक कहां चलेगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ये जो संयुक्त अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या होगा, कि हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, हर अभ्यास में करते हैं, रणनीति तकनीक प्रक्रियाओं के संयुक्त पूर्वाभ्यास को यह सुविधाजनक बनाएंगे। लगभग हर अभ्यास में विचारों का आदान प्रदान, रणनीति तकनीक और प्रक्रियाओं के तहत ही हम कार्य करते हैं, ठीक। अगला है प्रशिक्षण के उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए विभिन्न पहलू शामिल करे जाएंगे, जैसे स्नाइपर फायरिंग, स्नाइपर एक ऐसा एक ऐसी बंदूक, ऐसी गन समझिए जिसके ऊपर आपने क्या लगा रखा, बाइनोकुलर लगा रखा है, ठीक है ना, जिसको आप दूरबीन कहते हैं, है ना, वो लगी रहती है, उसको स्नाइपर बोलते हैं। तो स्नाइपर फायरिंग, स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए निगरानी और संचार उपकरणों का संयुक्त संचालन, दोनों सेनाएं साथ में सीखें। हताहत प्रबंधन, जो लोग मर गए, घायल हो गए, उनको कैसे हमें मैनेज करना है, ठीक। कंपनी बटालियन स्तरों पर सामरिक कार्रवाई किस तरीके से की जाए,
संयुक्त अभ्यास से भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच क्या बढ़ेगी, समझ और सहयोग क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक, बेसिक उद्देश्य क्या है कि हम रक्षा सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक, रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो अभ्यास है, ठीक, ये सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और दोनों सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाने का काम करता है। यानी जो दोनों, गुड मॉर्निंग स्वाति जी, जो दोनों हमारे सशस्त्र बल हैं उनको किस तरीके से हमें तालमेल के साथ आगे बढ़ाना, ये दोनों हम साथ में सीखेंगे। ठीक है ना, है ना। चलिए, प्रतिभागी शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के साथ तालमेल बिठाते हुए शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में बहु डोमेन, डोमेन का मतलब हर एक जो भाग है सेना का उसमें संचालन करना सीखेंगे, कि फिर वो पैदल चलने वाली टुकड़ी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब साथ में, सारे डोमेन साथ में काम करना सीखेंगे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति जो सेना होती है उसमें दोनों ही आपके जो ये फौज हैं इनके लोग शामिल होते हैं। तो ये ऑस्ट्रा हिंद, कुल मिला के रक्षा जो आपका एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में, अच्छा जो क्षेत्र है आपका उस क्षेत्र में क्या करना है, हमें आगे विकास करना है। ठीक है ना। तो ये जो बहु डोमेन संचालन है ये दोनों संलग्न होंगे। ठीक, अब देखें आप दल की संरचना क्या होगी। ठीक भाई, दल की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दल ही तो जाएगा लड़ने, एक बटालियन ही तो लड़ने जाएगी। ठीक, चलिए, भारतीय सेना की टुकड़ी में क्या है, गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के कितने जवान शामिल हैं, 60 जवान शामिल हैं। कितने, 60, किसके, गोरखा राइफल्स के। ठीक, इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना का एक अधिकारी और भारतीय वायुसेना के 20 कर्मी इसमें भाग लेंगे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष से कौन कौन होंगे, शिवानी गुड मॉर्निंग, 13वीं ब्रिगेड के 60 कर्मी। ठीक, ब्रिगेड ब्रिगेड का नाम यही याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 60 कर्मी। ठीक, जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के प्रत्येक से कितने कितने, 20-20 सदस्य शामिल होंगे। ठीक, ब्रिगेड नाम भी याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि लॉन्च की। सबसे पहले समझे कि आयुष मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद है। ठीक, उसने क्या किया है कि आयुर्वेद में अनुसंधान, वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित, इन तीन पर बेस्ड, ठीक, प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है ना, अग्नि, इसकी शुरुआत की है। ये जो पहल है ये योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों को 15 दिसंबर 2023 तक रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करके परियोजना में योगदान देने के लिए, अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती है। ठीक, यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आयुर्वेद चिकित्सक जो हैं वो 15 दिसंबर 2023 तक अपनी रुचि की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक, कि आप इसमें क्या एड ऑन करना चाहते हैं, क्या आयुर्वेद को विकसित करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, उसके लिए आमंत्रित किया गया है इस अग्नि में, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल में। ठीक, आपको पता है आयुर्वेद भारत के स्तर पर हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई एक क्या है, पद्धति है, और इस पद्धति के द्वारा, ठीक, हम विभिन्न रोगों का इलाज कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आयुर्वेद के कभी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, जैसे जो एलोपैथ में साइड इफेक्ट्स मिलते हैं उस तरीके के साइड इफेक्ट्स आपको आयुर्वेद में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छी पद्धति ये मानी जाती है इलाज करने की, इसलिए आयोजित किया गया है। अब देखिए, प्रक्रिया और सहयोग दो चीजें, ठीक, इच्छुक मतलब जो आयुर्वेदिक चिकित्सक जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, CCRAS की वेबसाइट पर उपलब्ध जो प्रारूप है उसका उपयोग करके अपनी जो रुचि है उसकी अभिव्यक्ति क्या करेंगे, जमा कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक, दूसरा, इस पहल की योजना किसने बनाई, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने परामर्श दिया और शैक्षिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, ठीक, जो रिपोर्ट की गई है चिकित्सा पद्धतियां और चिकित्सा आहार, ठीक, उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए, ठीक,
और प्रकाशित करने के लिए भविष्य में इस योजना को लाया गया है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, CCRAS द्वारा चिकित्सक और प्रासंगिक संस्थानों संगठनों के सहयोग से जो रिपोर्ट की गई चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको वैज्ञानिक रूप से मान्य कराने के लिए और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ठीक, कि उनका यूज हो सके। ठीक, आगे के शोध क्या किए जाएंगे, आधारित किए जाएंगे। तो जो भी शोध आगे होना है वो किस पर आधारित होंगे, कि पहली बात जो चिकित्सकों और प्रासंगिक संस्थानों संगठनों के सहयोग से जो चिकित्सा पद्धति है उसको वैज्ञानिक रूप से मान्य कराएंगे। क्यों? ताकि मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम का आने का मतलब है कि जो इलाज हमारा चल रहा है उस इलाज में उस एक तकनीक की अपनी वैज्ञानिक मान्यता भी हो। क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में सबसे बड़ा लड़ाई ये रहता है कि आयुर्वेद को लोग वैज्ञानिक नहीं मानते, है ना। जितना साइंस हमारे पास अवेलेबल है उसके बियॉन्ड ये चीजें हैं, इसलिए यहां ये समस्या क्रिएट होगी। तो इसको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक, देखो भाई, अंटार्कटिक ओजोन छिद्र बड़ा और पतला होता जा रहा है, बड़ा भी हो रहा है ओजोन का वह छिद्र और पतला भी होता जा रहा है। एक नए अध्ययन में तो कहें सर फिर जल्दी मरने वाले हैं, हो सकता है, कौन बता सकता है। ठीक, अंटार्कटिक ओजोन छिद्र में खतरनाक बदलावों का पता लगा है। ठीक, ये पूजा जी जुड़ी हुई हैं, ये जो पूजा जी क्लास में आती हैं डेली, वही वाली पूजा जी हैं, दो पूजा जी हैं। जी सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक है ना, कल देखा था आपका जन्मदिन था, आपने बताया भी नहीं, तो मैंने सोचा हैप्पी बर्थडे बोल दूँ। ठीक, तो खुश रहिए, कामयाब होइए और जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़िए, सफलता की सीढ़ियां आपको मिले। ठीक है, अब देखते हैं ये जो ओजोन छिद्र है इसमें खतरनाक बदलावों का पता चल रहा है। ठीक, अब इन बदलावों से क्या है, पहली बात ये केवल आकार में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है, आकार बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक, दूसरी बात पतले होने की प्रवृत्ति का भी ये क्या दे रहा है, संकेत दे रहा है। ठीक, अब देखो 2000 के दशक के बाद सुधार के शुरुआती संकेतों के बावजूद पिछले 4 वर्षों में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र में उल्लेखनीय रूप से क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक, अब ये आया क्या है, नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में इसको बताया गया है। ठीक, कारणों को उजागर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि विश्लेषक ये मानते हैं कि जो ओजोन छिद्र के आकार और व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की हमें जांच होगी। तो जब जांच की गई तो पता चला मौसम संबंधी स्थितियां, वसंत ऋतु का तापमान, हवा का पैटर्न, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट से एरोसोल और सौर चक्र में परिवर्तन पर इसमें विचार किया गया है कि इस परिवर्तन के कारण ये छिद्र बड़ा और पतला होता जा रहा है। यानी अन्य जटिल कारक भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये समझने वाली चीज है कि इससे भविष्य में, ठीक, समस्या बढ़ सकती है, इसलिए क्लाइमेट चेंज पे हमें और कंट्रोल करना होगा। ठीक है, जस्टिस फातिमा बीवी का निधन हुआ है। ठीक है, कौन थी आइए जानते हैं, अपनी अग्रणी कानूनी हस्ती, देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति फातिमा बीवी को विदाई दे दी गई है। 96 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक निधन उनका हुआ है। ठीक, और ये उपलब्धियों का जीवन इनका रहा है, क्योंकि ये पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज थी, इसलिए प्रश्न आने की संभावना और बढ़ जाती है। आपसे पूछा जाए पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, या सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न आ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का निधन हुआ है। ठीक, और न्याय व्यवस्था से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक, प्रारंभिक वर्ष और कानूनी यात्रा, देखो सरकारी लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और अपनी कानूनी यात्रा शुरू की। वकालत का करियर 1950 में शुरू हुआ। ठीक, जो विभिन्न न्यायिक भूमिकाओं के माध्यम से एक उल्लेखनीय उन्नति की शुरुआत थी। केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में एक मुंसिफ के रूप में सेवा करने से लेकर अधीनस्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला और सत्र न्यायाधीश की भूमिका निभाने तक न्यायमूर्ति बीवी का करियर उल्लेखनीय रहा। ठीक, 1983 में जस्टिस बीवी ने हाईकोर्ट जज बनकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 1989 में वह सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति होती है और वो भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनती है। ठीक, 1989 में, तो भारत में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज 1989 में जस्टिस फातिमा
डीवीजी बनती है, ठीक, उल्लेखनीय करियर इनका, ठीक। अब देखो वज्र प्रहार, यह भी क्या है, फिर से एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास, ठीक, किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, क्या नाम है, वज्र प्रहार, ठीक, क्या है सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास, कहां शुरू हुआ है, मेघालय के उमरोई छावनी में, ठीक, मिल गया, ठीक है, है ना। अब है क्या, रक्षा प्रवक्ता के बयान के अनुसार माने तो यह संयुक्त अभ्यास का 14वां संस्करण है, ठीक, 14th। इसमें क्या करेंगे, संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि लगभग एक जैसी ही थ्योरीज और कॉन्सेप्ट आपको इन अभ्यासों में मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए वज्र प्रहार 2023 में भाग लेने वाले अमेरिकी दल में प्रथम विशेष बल समूह के जो कर्मी हैं शामिल हैं। इस बीच भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। 2010 में शुरू किया गया यह वज्र प्रहार एक आवर्ती कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है, जिसका 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। तो 13वां कहां था, हिमाचल प्रदेश, 14वां कहां हो रहा, मेघालय की उमरोई। तो ध्यान रखिएगा, लगभग हर साल हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगली बार वज्र प्रहार आए तो आपको पता होना चाहिए भारत और अमेरिका के विशेष दलों के बीच ये एक युद्धाभ्यास है, ठीक। अब 11 दिसंबर तक ये चलेगा और इसमें क्या करेंगे, पहाड़ी इलाकों के भीतर पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में विशेष अभियान, मुख्यतः आतंकवाद विरोधी, ठीक, और हवाई संचालन की संयुक्त योजना और रिहर्सल पर यह क्या होगा, केंद्रित होगा, ठीक। प्रतिभागी जो है वो विभिन्न अभ्यासों में शामिल होंगे जिनमें मुख्य क्या है, स्टैंड ऑफ दूरी से सैनिकों की फ्री फॉल प्रविष्टि, ठीक, ऊपर से सैनिक आएंगे, ठीक, जल जनित प्रविष्टि, जल के माध्यम से सैनिक आएंगे, लंबी दूरी पर लक्ष्यों की सटीक सगाई, मतलब उनको फिक्स करना, सटीक पहचान करना, फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग विमानों का लड़ाकू वायु नियंत्रण, ठीक, कैसे करेंगे। संयुक्त अभ्यास में ना केवल विशेष बलों की क्षमताओं और अंतर संचालनीयता को बढ़ाएगा बल्कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को भी क्या करेगा, मजबूत करेगा। और ऐसे अभ्यासों का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन में फायदा होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि द्विपक्षीय जो हमारे संवाद हैं, द्विपक्षीय विचार विमर्श हैं, वह अच्छे हो जाएं और उनके तहत हम अपने कार्य क्षमता को और बेहतर बना सकें, ठीक। अब देखिए ब्राजील में अभूतपूर्व गर्मी की लहर आई है, ठीक, अभी अभी ब्राजील को हाल में ही अभूतपूर्व गर्मी का सामना करना पड़ा है। मिनस गैरस में आरा कुआई का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस के ऐतिहासिक उच्च तापमान तक पहुंच गया, पहली चीज। इस चरम घटना को अल नीनो घटना और जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अभूतपूर्व गर्मी की लहर आई, ठीक। अब देखो मौसम विज्ञानी रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस तापमान को अल नीनो घटना के दोहरे प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ से जोड़ते हैं। कारकों का यह प्रतिच्छेदन चरम मौसम की घटनाओं की जटिलता को क्या करता है, रेखांकित करता है, यानी उनके विषय में आपको यह जानकारी देता है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से, एक सेकंड रुक जाएगा, ठीक है ना। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। झुलसा देने वाले तापमान के बीच राहत की थोड़ी उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों ने आगामी जो सप्ताह है उसमें भीषण गर्मी से थोड़ी राहत की भविष्यवाणी की है। केवल 3 राज्यों की राजधानियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने के करीब, ठीक, और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान इनमेट
तापमान में प्रत्याशित परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। अराकुई ब्राजील में जो 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान 2005 में स्थापित था, ठीक वो 44.7 डिग्री सेल्सियस के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को क्या किया है, उसने पार कर लिया। ये घटना दक्षिणी गोलार्ध की गर्मी शुरू होने से एक महीने पहले पूरे ब्राजील में रेड अलर्ट का संकेत देती है। रेड अलर्ट जारी होता है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ये अलर्ट होते हैं ठीक हीट वेव से बचने के। अब अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ ऊर्जा खपत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए क्लाइमेट इक्वेलिटी, अ प्लेनेट फॉर द 99% रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में स्पष्ट असमानता देखी जा रही है, जिससे पता क्या चल रहा है, वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% और सबसे गरीब 5 अरब लोगों के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है। तो वैश्विक आबादी का 1% अमीर है, ठीक, वो सबसे गरीब जो 5 अरब लोग हैं उनके बराबर कार्बन उत्सर्जन करेगा, जिसमें दुनिया की 66% आबादी शामिल है। अब ये जो मानव जीवन और पर्यावरण पर ये चिंताजनक प्रभाव है, कैसे, सबसे धनी व्यक्तियों से उत्सर्जन की मात्रा जो गर्मी के कारण 1.3 मिलियन मौतें हो रही है उनके बराबर है, जो कि चिंता का कारण है। इसलिए धनी व्यक्तियों को यहां पर क्या करना होगा, अपने कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल में करना होगा। गाड़ियां उनके पास ज्यादा हैं, ठीक, वो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और इससे गरीबों को इस दुनिया में रहने में दिक्कत हो रही है। ठीक, इक्वालिटी का भी मामला, तो क्लाइमेट इक्वालिटी को इसको बताया गया, ठीक है ना, क्लाइमेट इक्वालिटी होनी चाहिए। अब प्लेनेट फॉर द 99% नॉट 1% फॉर द 1%, ठीक है ना। इस शीर्षक वाली रिपोर्ट है जो अति अमीरों के वार्षिक उत्सर्जन के हानिकारक प्रभाव को रेखांकित करती है। ठीक, अमीर होंगे तो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करेंगे, ऐसे में गरीबों, तो बात करें क्लाइमेट इक्वालिटी होनी चाहिए। ये जो अर्थ है ना कि 99% लोगों के लिए, 1% के लिए नहीं, ठीक, तो उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा प्रभाव जो 1.3 मिलियन मौतें हैं वो गरीबों की हो रही और उसमें 1% अमीर अपना योगदान दे रहे हैं मौतों। ठीक, अति अमीरों की क्या भूमिका है, देखो ऑक्सफैम के अनुसार ग्रह को स्थिर करने और सभी के लिए क्या अच्छा जीवन सुनिश्चित करने में अति अमीर और अमीर लोगों की भूमिका को समझना क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण। ठीक, अत्यधिक अमीर लोग अपने दैनिक उत्सर्जन, उपभोग पैटर्न, जीवन शैली, निवेश, भारी प्रदूषणकारी उद्योगों में हिस्सेदारी के माध्यम से जलवायु के विघटन में क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और उनका ये अनुचित प्रभाव जो है वो किस पे पड़ रहा है, मीडिया, अर्थव्यवस्था, राजनीति और नीति निर्धारण पर भी फैला हुआ है। वो नीतियां अपने हिसाब से बनवा रहे हैं, मीडिया को प्रभावित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये जो अनुचित प्रभाव है उनका हर जगह फैला हुआ है, जबकि हम यहाँ क्या है, सबके लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित करना है। ठीक, ग्रह को स्थिर करने के लिए 2030 तक गंभीर अनुमान है इनके, तो रिपोर्ट में अनुमान है कि जो 1% उत्सर्जन है ये 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के लिए आवश्यक सुरक्षित सीमा से 22 गुना अधिक हो जाएगा जो अमीर लोगों का कार्बन उत्सर्जन। ठीक, यूएन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी कर दी, GS3 का ये मामला। ठीक, 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए निराशाजनक दृष्टिकोण का खुलासा हुआ है। ठीक, सबसे आशावादी जलवायु कार्रवाई परियोजना के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल 14% संभावना जताई गई है, इसे 14% संभावना है कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अपूर्ण जलवायु योगदान और बढ़ता तापमान, 2030 तक मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो NDCs है वो देने के प्रयासों के बावजूद UNEP ने पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित जो 2 डिग्री सेल्सियस का अपना लक्ष्य था उसको पार करते हुए 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। वर्तमान नीति या वर्तमान परिदृश्य के कार्यान्वयन अंतराल को अगर देखें और समझने का प्रयास करें तो यहां से हमें पता चलेगा कि इसके कारण 3 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। हम 1.5 डिग्री को कंट्रोल करने जा रहे थे तो यहां पर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के संकेत है। ठीक, इस रिपोर्ट में अब 2022 जलवायु सम्मेलन के बाद केवल 9 देशों ने अपने NDC को अपडेट किया है, बाकी 195 देशों में से सिर्फ 9। जलवायु रिकॉर्ड टूटने में वृद्धि जो हुई है पिछले, जिसमें इस वर्ष के 86 दिनों में जो तापमान है उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना शामिल है।
2022 में जो वैश्विक उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो 57.4 गीगाटन तक पहुंच गया, जो जलवायु कार्रवाई को तत्कालिकता पर बल देता है कि तुरंत ही जलवायु परिवर्तन ये जो हो रहा है इसको हम रोकने की आवश्यकता है, तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन निर्भरता, जीवाश्म ईंधन वही डीजल पेट्रोल, दे आर कॉल्ड जीवाश्म ईंधन। ठीक, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 2/3 हिस्सा किसका है, जीवाश्म ईंधन का, यानी 2/3 जो है, ठीक, वो किसका है, इन जीवाश्म ईंधनों का, समझ गए, जीवाश्म ईंधनों का हिस्सा है 2/3। ठीक, और रिपोर्ट अगर देखेंगे तो जीवाश्म ईंधन उत्पादन को कम करने के महत्व पर जोर देता है। वर्तमान नीतियां क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप दोगुनी मात्रा में उत्पादन करने की योजना का क्या देती है, संकेत देती है। ठीक, अब देखिए अगली वाली और बढ़िया। एक पृथ्वी के कोर में एक रहस्यमय ई प्राइम परत की खोज की गई। ठीक, मेंटल कोर, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो अब एक नई ई प्राइम परत मिली है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में एक रहस्यमय परत का पता लगाया है। इसे किस रूप में जान रहे हैं, ई प्राइम परत के रूप में जान रहे हैं। इस खोज का श्रेय ग्रह की गहराई में सतह के पानी के प्रवेश को दिया जाता है, जिससे धातु के तरल कोर के सबसे बाहरी क्षेत्र की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक तंत्र को समझो, पहले 4 प्राथमिक परतें हैं पृथ्वी में, कौन कौन सी, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। नेचर जियो साइंस में प्रकाशित एक शोध में कहा गया कि पिछली धारणा को चुनौती देते हुए कोर और मेंटल के बीच सामग्री का आदान प्रदान क्या है, न्यूनतम है। प्रयोगों से यह पता चला है कि पानी जो है वो कोर मेंटल सीमा तक पहुंचता है और यह कोर में सिलिकॉन के साथ प्रक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिलिका का निर्माण होता है। ठीक है ना, अध्ययन से यह पता चला कि सतही जल का परिवहन करने वाली टेक्टोनिक प्लेटें अरबों वर्षों में पृथ्वी की गहराई तक इसको ले गई है। कोर मेंटल सीमा तक पहुंचने पर पानी में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे बाहरी कोर पर हाइड्रोजन समृद्ध सिलिकॉन रहित परत का निर्माण होता है। ये एक फिल्म जैसी संरचना जैसा दिखता है। ठीक, फिल्म मतलब कारों के शीशों पे आपने देखी होगी, ठीक है, फिल्म लगी रहती है, उसी फिल्म जैसा। ठीक, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न सिलिका क्रिस्टल चढ़ते हैं और मेंटल में मिल जाते हैं, जिससे पृथ्वी की परतों की समग्र संरचना क्या होती है, प्रभावित होती है। अब जोमैटो से आप सबने खाना तो मंगाया ही होगा, उसी खाने की बात करते हैं। खाने में आप देखें कि डिलीवरी एजेंटों के लिए सड़क सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र पैनल बनाया गया है। एक्चुअली में जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, इन पे बड़ा दबाव होता है, इनको भोजन जल्दी भी पहुंचाना है, नहीं तो कस्टमर रेटिंग खराब कर देता है। और कंपनियों ने भी इनको इतना दबाव में ले रखा है कि भोजन समय से पहुंचाइए, नहीं तो कंपनी का अपना जो एक उसकी जो एक छवि मार्केट में बनी हुई है, इस बाजार में, वो धूमिल होती है। ऐसी दशा में ये बहुत तेज स्पीडिंग करते हुए सड़कों पर चलते हैं वाहनों से, और फिर कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा में कमी आती है और यह एक्सीडेंट से शिकार होते हैं, मृत्यु बढ़ती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम खराब होता है। इसलिए नई दिल्ली में एक संयुक्त राष्ट्र पैनल बनाया गया है इन्हीं डिलीवरी एजेंटों के लिए। देखो, डिलीवरी एजेंटों द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जो सड़क सुरक्षा खतरे होते हैं, उनका उपाय किया गया, विशेष रूप से ई कॉमर्स ऑर्डर देने के लिए सख्त समय सीमा के तहत चलने वाले दुपहिया वाहनों पर। अगले महीने नई दिल्ली में सड़क यातायात पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में केंद्र बिंदु होगा। ठीक, अब सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, भारत भी उसमें शामिल है। 4-6 नवंबर तक निर्धारित 3 दिवसीय सम्मेलन जो हुआ, उसमें सड़क यातायात शिक्षा संस्था यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के वैश्विक सड़क सुरक्षा फोरम के साथ साथ एशिया प्रशांत समकक्ष आर्थिक और एशिया और प्रशांत के लिए सामाजिक आयोग भी शामिल होगा। अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और प्रमुख मुद्दे देखो, लगभग 23 देशों ने इसमें भाग लिया। डिलीवरी एजेंटों की एक तो बढ़ती संख्या से उत्पन्न होने वाली सड़क सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई,
विशेष रूप से दोपहिया टैक्सियों और एम्बुलेंस का संचालन, कानून में आवश्यक विनियामक और कानूनी बदलाव और दोपहिया सवारों और पैदल चलने वाले कमजोर सड़क उपयोग करता है उनकी सुरक्षा के बारे में चिंताएं शामिल है। क्योंकि मैंने फिर बताया कि स्पीडिंग करते हैं, तेज चलते हैं, इनको सामान डिलीवर करना है तय समय, ऐसे में इनकी अपनी सुरक्षा बहुत आवश्यक। और आपको पता है ये जो टू व्हीलर वाले हैं ये टैक्सी में भी आ गए हैं, ठीक, टू व्हीलर टैक्सी रैपिडो वगैरह, ठीक, ऐसे में जब वो स्पीडिंग करेंगे, ठीक, और तेज चलेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन का अपना जो महत्व है कम होता जाए, बहुत आवश्यक हो जाता है कि यहां पर हम उनके बारे में चिंताएं करें और कानून में कुछ मूलभूत बदलाव करें जिससे कम से कम सड़क सुरक्षा, ठीक, स्ट्रांग रह सके इन डिलीवरी मैन्स की भी। अच्छा, ये डिलीवरी तो पूरे विश्व में ई कॉमर्स में ऐसे ही चल रही है, तो इसको वैश्विक दृष्टिकोण से भी सोचिएगा, ठीक है ना, भारत की बात है लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से चलिए। इसमें बड़ा चर्चा में आजकल आपने देखा होगा हलाल उत्पाद चल रहा है, वो भी लग रहा होगा हलाल उत्पाद क्या है, तो जरा हलाल उत्पादों के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ में हाल की घटनाएं जो हुई है, वहां क्या हुआ, कथित तौर पर बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादों को हलाल प्रमाणित करने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, ठीक। तो जब FIR दर्ज की गई इस बात पे, तो हलाल की अवधारणा पर ध्यान आकर्षित हुआ कि ये हलाल क्या होता है भाई, ठीक। बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया गया, जो हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां थी उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। क्योंकि होता क्या था कि मान लो किसी को नहीं दिया, अब उसका प्रोडक्ट हलाल नहीं है, उसका उत्पाद हलाल में नहीं आ रहा, तो लोग नहीं खरीदेंगे, उसका नुकसान होगा, तो उसने FIR कर दी। तो फिर ये हलाल शब्द क्या आया, चर्चा का विषय बन गया। अब देखिए कि हलाल होता क्या है। हलाल एक अरबी शब्द है पहली बात, जिसका अनुवाद क्या होता है, अनुमत, ठीक, और इसकी तुलना हराम से की जाती है। कुरान में हराम का अर्थ क्या बताया गया, निषिद्ध, जो नहीं करने होंगे, ठीक है ना। तो यह बताता है कि इस्लामी मान्यता में क्या कानूनी है और अनुमत है, यानी इस्लामी मान्यता में क्या माना जाएगा और क्या नहीं माना जाएगा, ये इसको बताता है, ठीक। अब यहां आहार संबंधी जो कानून है, तो मुख्य रूप से इस्लामी आहार कानूनों से जुड़ा हुआ हलाल भोजन यहूदी धर्म में काश्रुत नियमों के समान विशिष्ट खरीद प्रसंस्करण और व्यापार प्रथाओं का पालन करता है। यही चीज यहूदी धर्म में क्या है, काश्रुत, और इस्लाम में क्या है, हलाल, ठीक। तो हमको हलाल भोजन करना है, तो अगर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भोजन खाने योग्य नहीं, अर्थात हराम है। तो चूंकि आपको पता है ये धर्म सामी धर्म है, इनकी किताब है, एक पैगंबर है और एक ईश्वर की परिकल्पना पर ये चलते हैं, ऐसे में रूढ़िवादिता होना स्वाभाविक है, ठीक, लचीलापन नहीं है इनमें धर्मों में, बात बता भी चुका हूं, एकलवाद में प्रॉब्लम होती है। तो जब लचीलापन नहीं है तो इस तरीके की चीजें होती कि हलाल सर्टिफाइड भोजन ही आप खाएंगे, तो फिर वहां पर क्या हुआ, बिक्री बढ़ाने के लिए ये जो हलाल सर्टिफिकेशन था उसके लिए मामला चला गया FIR में और ये शब्द आ गया लाइमलाइट। अब देखिए जरा हलाल मांस के लिए मानदंड क्या है। पहली बात तो वध तकलीफ कि मारा कैसे जाए जो हलाल है। तो भारतीय संदर्भ में हलाल मुख्य रूप से मुस्लिम वध तकनीक को संदर्भित करता है, जिसमें गले की नस, कैरोटिड धमनी और श्वास नली में एक ही कट लगाया जाता है, ठीक, और कहा क्या जाता है, जानवर जीवित स्वस्थ होना चाहिए और सारा खून निकल जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना का पाठ करना भी निर्धारित है। यह है प्रक्रिया, ठीक, हलाल करने की, यानी गले की नस, कैरोटिड धमनी और श्वास नली में एक कट लगाएंगे, सारा खून निकल जाने देंगे और इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना करते रहेंगे ईश्वर की, ठीक है, मारते हुए। अब आपको लग रहा होगा सर मतलब ईश्वर प्रार्थना करने वध, तो ये अपना उनकी मान्यता है, ठीक। अब उनको समझाने नहीं जाना नैतिकता के आधार पर, पता चले अभी एथिक्स पढ़ रहे हैं तो कहें सर नैतिक है कि अनैतिक है, ठीक, उनके अपने लिखे हुए के अनुसार ये नैतिक है, वो नैतिक कार्य कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे तय होगा कि नैतिक है कि नहीं है, ठीक। अब अगर मांस के अलावा हम और हलाल की बात करें तो देखिए गैर मांस उत्पाद, हलाल का विस्तार मांस से परे भी है और इसमें विभिन्न उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं, जैसे शाकाहारी भोजन, मछली, शंख को आमतौर पर हलाल माना जाता है जब तक कि उनमें एल्कोहल ना हो।
व्यक्तिगत देखभाल, हलाल विचार दवाओं, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, पैकेजिंग सामग्री, पशु चारा जैसी गैर खाद्य वस्तुओं में भी प्रासंगिक। ठीक, तो ये हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे फिर इस्लामी लोग उसका इस्तेमाल कर सके। अब हलाल प्रमाण पत्र और जारी करता, ठीक, क्या होते हैं, क्यों जारी करते हैं, किस लिए जारी किया जाता है, इस चीज को समझें। हलाल प्रमाण पत्र उपभोक्ताओं को सूचित करता है कि कोई उत्पाद हलाल माने जाने के मानदंडों को पूरा करता है या नहीं करता है। आवश्यक रूप से मांस की उपस्थिति का संकेत नहीं देते। ठीक, प्रमाणन एजेंसियां, भारत में हलाल प्रमाणीकरण के लिए आधिकारिक नियामक का अभाव है। इसके बजाय हलाल इंडिया जैसी विभिन्न प्रमाणन एजेंसियां कठोर परीक्षण और ऑडिट के आधार पर क्या करती हैं, प्रमाणन जारी करती हैं, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। यहां देखिए, हलाल इंडिया जैसी जो एजेंसियां हैं उनके प्रमाण पत्रों को कतर, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे इस्लामी देशों में नियामकों द्वारा क्या प्राप्त है, मान्यता प्राप्त, जिससे निर्यात के लिए जो ये उत्पाद है इनकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि मान्यता प्राप्त है इसलिए बाहर भी इन उत्पादों को बेचा फिर जा सकता है। अब देखते हैं टेलीविजन। 21 नवंबर को विश्व टीवी दिवस था। ठीक है, जरा इसको समझना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। महत्व क्या है, देखो, अपने आविष्कार के बाद से जो टेलीविजन है मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, ये आपको पता होगा। अब इससे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत क्या मिलेगा, IPTV आज की डेट में आ गया। ठीक, यह लोगों को समान रूप से शिक्षित और सूचित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी रहा है। 80 के दशक की बात करें तो उस समय टेलीविजन ने भारत को एकजुट करने में मदद की, क्योंकि कई लोग बुनियाद, हम लोग, रामायण और महाभारत जैसे प्रतिष्ठित टीवी शो देखने के लिए सिंगल स्क्रीन के सामने क्या करते थे, इकट्ठा हो जाते थे, तो एकजुट रहते थे, एक टीवी हुआ करता था, पूरा गांव उसी टीवी देखता। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार टेलीविजन समकालीन दुनिया में वैश्वीकरण और संचार के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, इसलिए टेलीविजन दिवस मनाते हैं। ठीक है, टीवी का आविष्कार किसने किया, 1924 में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक, भारत में टेलीविजन को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में पेश किया गया पहली बार। ठीक है, इतिहास कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया। इसमें प्रमुख मीडिया हस्तियों ने मंच में भाग लिया और दुनिया भर में टेलीविजन के बढ़ते महत्व पर यहाँ चर्चा की गई। इसके बाद यूएन जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और अब ये 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, तो भारत के बाल दिवस की बात नहीं हो रही, विश्व के बाल दिवस की बात हो रही। बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व भर में क्या मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत में कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। महत्व, यह दिन बच्चों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, पहली चीज। बाल अधिकारों के महत्व पर जोर देता है, उनके लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करता है। यह बाल अधिकारों, शोषण, भेदभाव, बाल सुरक्षा के इर्द गिर्द संवाद की वकालत करता है। ठीक, इतिहास की बात करें, पहली बार 14 दिसंबर 1954 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यह मनाया गया। 20 नवंबर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन 1959 में UNGA ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। ठीक है ना, तो 20 नवंबर 1989 को UNGA ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भी अपनाया। इस प्रकार UNGA ने देशों से बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने, बच्चों की भलाई और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का समर्थन करने के लिए विश्व स्तर पर 20 नवंबर को इस दिन को मनाया जाए ये बताया। ठीक है,
19 नवंबर को विश्व शौचालय वर्ल्ड टॉयलेट डे था, ठीक। दैनिक जीवन में शौचालयों और स्वच्छता के महत्व पर यह दिन जागरूकता बढ़ाता है और 19 नवंबर को हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे हम मनाते हैं। महत्व क्या है? क्योंकि ये स्थायी शौचालय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया भर में लगभग 3.6 बिलियन लोगों के पास उचित शौचालय तक नहीं है। शौचालय ना होने से लोग स्वच्छता से वंचित रह जाते हैं और कई बीमारियों का यह कारण बाद में बनता है, ठीक है। इस दिन का इतिहास देखते हैं, ठीक। विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत सिंगापुर के जैक सिम ने की थी। उन्होंने 2001 में विश्व शौचालय संगठन एनजीओ की स्थापना की और उनका ये विचार था कि स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। विश्व शौचालय दिवस की जो पहल थी इसको सस्टेनेबल सैनिटेशन अलायंस, ठीक, द्वारा समर्थित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 में पानी और स्वच्छता के मानव अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी। पानी और स्वच्छता मौलिक मानव अधिकार है, ठीक है ना, ह्यूमन राइट है, ठीक। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली स्वच्छता प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करने और फैलाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। यह दिन लोगों को खुले में शौच करने से भी क्या करता है, हतोत्साहित करता है, रोकता है खुले में शौच करने से, ठीक। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाला है। प्रमुख विज्ञान मेला ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के परिसर में आयोजित किया जाएगा। टीम क्या रहेगी? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, ये इसकी थीम है। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच इसकी थीम है। यह विषय वर्तमान युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटरीच, बाहर जाना, बाहर निकलना और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करना के महत्व पर प्रकाश डालेगा। इसमें छात्र, शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योग पेशेवर, उद्यमी, विज्ञान संचारक सहित विभिन्न रुचियों वाले व्यक्ति एक मंच पर आके अपने विचार साझा करेंगे, ठीक। यह आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच एक गतिशील इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। यह गतिविधियों को एक श्रृंखला प्रदान करेगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ सेमिनार, वक्ताओं के साथ बातचीत, प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, ज्ञान साझाकरण गतिविधियां, कुल मिला के सारी नवाचार की चीजें वहां होंगी जिससे साइंस में उपलब्धि हो सके। एक दूरदर्शी पहल है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान भारती के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास। प्राथमिक उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समृद्ध भारत की प्रगति में योगदान देना, इसका प्राथमिक महत्व, ठीक है ना। अब कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक। कोई भी समस्या आपको पेश आ रही हो तो उसको मुझे बताइए तो सॉल्व किया जाएगा। बताएं श्रद्धा जी, सर कथन और कारण वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। उसको सॉल्व करने के लिए बेटा एक चीज करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे एक ही तरीके से लगाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद शायद आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे उस क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को लगाने में। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही है क्योंकि उसमें बिल्कुल सही से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक। परेशान होने की वहां आवश्यकता नहीं है। कोई ठीक है, चलिए मैं तरीका बता दूंगा उसका ताकि आप उसको अच्छे से समझ के ना सॉल्व कर पाओ। देखिए आपके ग्रुप पे एक कुछ आया होगा, ग्रुप्स पे आपको कुछ मिला होगा।
हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं होती। तो हाँ यही दिक्कत है, कभी दोनों कथन सही होंगे, कभी एक सही होगा, कभी दोनों गलत होंगे, कभी व्याख्या सही नहीं होगी, ठीक अभी नहीं आया, नहीं नहीं अच्छा हाँ आ रहा है, रुक जाइए समय लग रहा है। तो ये चीजें रहती हैं, ठीक है। उसमें जो कथन और इस तरीके के, इसको एसेसन रीजन बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कथन दिया होता है, उसका एक रीजन दिया होता है, चार ऑप्शन होते हैं। तो मामला वही है कि एसेसन सही हो सकता है, रीजन सही हो सकता है, ये इसकी सही व्याख्या हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक दोनों पता नहीं होंगे सही सही, तब तक इस क्वेश्चन को कर पाना संभव रहता है, ठीक। उसका तरीका मैं बता दूंगा कि रीजन, कभी कभी रीजन बिल्कुल फालतू लिखा होता है, उसका ऊपर वाली बात से कोई लेना देना नहीं होता। एसेसन बिल्कुल एकदम लिख देंगे, स्वच्छ पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, फिर उसके रीजन में लिख देंगे, ठीक COVID-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, कोई लेना देना नहीं है उस रीजन का उससे, ठीक है ना, कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत, अगर आप सही से उसको पढ़ लेते हैं तो काफी हद तक वो प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, ठीक ढंग से पढ़ लीजिए तो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो सबसे बढ़िया है फैक्ट वाले क्वेश्चंस पर फोकस करिए, ठीक है ना। और यह आवश्यक नहीं है आपको सारे प्रश्न आए, आवश्यक यह है कि मैक्सिमम प्रश्न जो कट ऑफ के लिए जरूरी है उनको आप सही से सॉल्व करके अपना सिलेक्शन ले पाए, ठीक है, सबसे बढ़िया वही रहता है, समझ गए। चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना, कल नहीं परसों मिलेंगे हम लोग, के लिए आप सभी पढ़ें, और मैंने PDF आपको भेज दिया है, ठीक है, आपके पास पहुंच गया होगा, देखिएगा अभी बस पहुंचने वाला होगा, चलिए।